अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम बायनोमियल थ्योरम की एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं और उसके लिए हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें 3/2x-1/3x और उसकी पावर जो है 11 है। आपने क्या करना है कि अगर इसको एक्सपेंड करें तो वो कौन सी टर्म होगी जिसमें एक्स 5 आएगा, ये पहला आपके इसके पास आपके पास पॉइंट है जो आपने फाइंड करना है। और दूसरे नंबर पे आपने अगर इसको एक्सपेंड करें तो फिफ्थ नंबर की जो टर्म होगी वो आपने फाइंड करनी है कि वो क्या होगी। ठीक है, अब अगर इसके दोनों पार्ट्स अगर आप देखें ना तो बेसिकली इसमें टर्म्स इन्वॉल्व है कि ये भी कोई ना कोई टर्म होगी और डेफिनेटली फिफ्थ टर्म है तो ये भी एक टर्म है आपके पास। तो आपने स्टूडेंट कोई भी अगर आप टर्म फाइंड करनी हो तो आपने जनरल जो टर्म है बायनोमियल थ्योरम की वो आपने अप्लाई करनी है, वो आपने फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है उसको प्लस में कन्वर्ट करना है, उसको प्लस में लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/2x+-1/3x रेज टू द पावर, ये आ जाएगा 11। ठीक हो गया। आप यहां से आप क्या करेंगे, आपने आपको पता है कि जो पहली टर्म होती है ये आपके पास a होती है, ये आपके पास x होगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, आपने ये तीनों जो टर्म्स है ये आपने लिख लेनी है। a आपके पास क्या आ जाएगा, a आपके पास आ जाएगा 3/2x, और जो आपके पास x थी मतलब जो दूसरी टर्म है वो आपके पास आ जाएगी -1/3x, और n जो है वो आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी, वो आपके पास 11 आ जाएगी। ठीक हो गया। ये आपने जहन में रखनी है कि ये चीज आपने फार्मूला में यूज करनी है। ठीक हो गया। अब जो जनरल टर्म फार्मूला है, जनरल जो टर्म फार्मूला है वो आपको पता है वो किसके बराबर होता है, वो TR+1 = एन सी आर a(n-r) x(n-r) की इक्वल होती है। ठीक है। आपने यहां पर क्या करने, जो डेटा आपको गिवन है, आपको a गिवन है, x गिवन है और आपके पास n गिवन है, तो ये यहां पर आपने पुट कर देना है। पुट करने के बाद देखते हैं क्या आता है। क्या आ जाएगा, TR+1, n की जगह आ जाएगा 11, आर एज इट इज, ए की जगह आ जाएगा 3/2x रेज टू द पावर n-r, x की जगह आ जाएगा -1/3x, और यहां पर सॉरी यहां हमारे पास क्या आएगा, एक्स आर आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हमारे पास क्या होता है, एक्स रेस टू द पावर आर आएगा, तो इसको आपने देख लेना, एक्स रेस टू द पावर आर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक हो गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो TR+1 = 11CR। यहां आपने क्या करना है, इसको अलग अलग कर देना है, तो 3 रेज टू द पावर 11 माइनस आर ओवर 2 11 माइनस आर x 11 माइनस आर इंटू -1 रेज टू द पावर आर। ठीक हो गया। और यहां पर मजीद क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/3 रेज टू द पावर आर और 1/x रेज टू द पावर आर। ठीक हो गया। यहां पर क्या आ जाएगा, 1/x रेज टू द पावर आर आ जाएगा। अगले स्टेप में आपके पास क्या आएगा, TR+1 11R 3 रेज टू द पावर 11 माइनस आर 3 रेज टू द पावर 11 माइनस आर ओवर 2 रेज टू द पावर 11 माइनस आर 2 रेज टू द पावर 11 माइनस आर x रेज टू द पावर 11 माइनस आर x रेज टू द पावर 11 माइनस आर।
एंड देन आपके पास जो -1 रेज़ टू द पावर आर ये एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/3 r आप इसको लिख सकते हैं, 1/3 रेज़ टू द पावर r, और जो दूसरी आपके पास 1/x रेज़ टू द पावर r है इसको लिखा जा सकता है x रेज़ टू द पावर -r लिखा जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सो नेक्स्ट अप आ जाएगा tr+1 = 11 r, 3 11 - r/2 11 - r, और यहां अगर देखें आप कंबाइन कर लें, चले इसको -1 रेज़ टू द पावर r, 1 रेज़ टू द पावर 3 r, और x की जो टर्म्स है इसको कंबाइन कर ले तो आ जाएगा x 11 - 2 r आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? x आपके पास क्या आ जाएगा, 11 - 2 r आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जो बाकी टर्म है उसको भी देखते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। सो -1 रेज़ टू द पावर r ये पहले लिख लिया, 11 c r ये आ जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो आपके पास 3 रेज़ टू द पावर 11 - 2 r ओवर 2 रेज़ टू द पावर 11 - r। ठीक हो गया। और यहां से आपके पास x रेज़ टू द पावर 11 - 2 r, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि आपने एक ऐसी टर्म फाइंड करनी है जिसमें x रेज़ टू द पावर 5 इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो x रेज़ टू द पावर 5 की टर्म निकालने के लिए आपने क्या करना है कि यहां पर जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहां पर x की जो भी पावर है ना, आपने उसको 5 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको चाहिए था x रेज़ टू द पावर 5, तो इधर आ रहा है x रेज़ टू द पावर 11 - 2 r, सो आपने लेट कर लेना है यहां पर। ठीक है, आपने लेट करना है, लेट आप करेंगे कि यहां पर x की जो भी पावर आई है 11 - 2 r, उसको आपने इक्वल रखना है (= 5) के। ठीक है, क्योंकि आपको x रेज़ टू द पावर 5 चाहिए। अगर आपको x रेज़ टू द पावर 6 चाहिए होता तो आपने क्या करना होगा कि x की जो भी पावर होगी उसको उस रिक्वायर्ड टर्म की पावर के बराबर आपने रखना होगा। सो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 11, इसको इधर ले आए, -5 = ये आ जाएगा 2 r, यहां से आपके पास आ जाएगा 6 = 2 r, मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो r की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक हो गया। अब इसको आपने पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये लिखी हुई है। सो यहां अगर आप पुट करेंगे तो टी आर की जगह 3 + 1, 11 r की जगह आ जाएगा आपके पास 3, और उसके अलावा -1 रेज़ टू द पावर 3, 3 11 - 2 r की जगह 3 इधर भी आ जाएगा, ओवर 2 11 - r, मतलब 11 - 3, और x 11 - 2 r, मतलब 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा tr+1 = 11 3, और ये आपके पास माइनस आएगा क्योंकि -1 रेज़ टू द पावर 3 - 1 होगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 5 ओवर 2 रेज़ टू द पावर 8, 2 रेज़ टू द पावर 8 आ जाएगा। एंड यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।